आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। लालू को यह जमानत चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में मिली है, लेकिन लालू यादव अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्हें दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जेल में ही रहना होगा। खबरों के मुताबिक अंतिम मामले में जमानत एक महीने बाद मिलेगी। सभी मामलों में उन्हें जमानत आधी सजा जेल में काटने की वजह से मिल रही है। दरअसल रांची की सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू को 5 साल की सजा सुनाई है। लालू ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उन्होंने इस मामले में अपनी आधी सजा काट ली है, इस आधार पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने अपनी बीमारी का भी हलावा दिया था। आपको बता दें कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह अटकलें लगाई जा रही थी कि वह चुनाव प्रचार कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसी अटकलों पर विराम लग गया है। न्यूज़ डेस्क।